करीब बैठे हो ये तो सहमत करो ना, जो बाहर बैठे उनकी तो मजबूरी है कि वो मेरी आंख के दायरे में नहीं, जो करीब बैठे तुम तो मेरे हिसार में हो ना। रसूल ने ये क्यों नहीं कहा कि मेरा खून इनका खून, नहीं इनका खून मेरा खून, इनका गोश मेरा गोश। या रसूल अल्लाह आप उम्र में भी बड़े हैं, रुतबे में बड़े हैं, नूर में भी बड़े हैं, आपको कह देना चाहिए था मेरा खून इनका खून, मेरा गोश इनका गोश। हदीस फिर भी पक्की होती, फिर भी तेरी हदीस में शक ना होता, लेकिन ये आपने क्या हदीस कह दी है, इनका खून मेरा खून, इनका गोश मेरा गोश, इनका खून मेरा खून, इनका खून मेरा खून। अब इस्लामाबाद बेख्तियार बोल पड़ेगा अगर इस हदीस का राज उगलूंगा, जब का इनका खून मेरा खून, तो मेरी तरफ करना इनका खून मेरा खून। अब इस हदीस में से मैं लफ्ज़ खून अगर निकालूंगा तो पूरा राज खुल के तुम्हारे सामने आ जाएगा। इनका खून मेरा खून, नहीं खून निकालते इनका मेरा, ये नहीं कहा मेरा इनका, नहीं इनका मेरा, इनका मेरा, इनका मेरा, ये नहीं कहा मेरा इनका। अभी भी तीन या चार बंदों के हाथ उठे हैं, मजमा गुम कहां पे है। रसूल ने ये नहीं कहा मेरा इनका, इनका मेरा, इनका मेरा। अच्छा तुम चाहते हो कि मैं सीना फाड़ लो तो फिर सुनो दलील। रसूल ने इसलिए कहा इनका मेरा, मैंने कहा मेरा इनका, क्योंकि रसूल जानते थे मेरे कई ऐसे होंगे जो इनके नहीं होंगे, इनका एक भी ऐसा नहीं होगा जो मेरा नहीं। सारे बोल को मिलके हैदरिया, इनका मेरे कई ऐसे हैं जो इनके, इनका एक भी ऐसा नहीं, क्योंकि अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला मोहम्मद रसूल अल्लाह से बगावत भी करता है। इससे अच्छा राज एक और बताऊं, ला इलाहा की दुश्मनी सीने में छुप जाती है। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मेरा मुनकर मुनाफिक है, नहीं मेरा मुशरिक है, मोहम्मद का दुश्मन काफर है, अली का काफर नहीं मुनाफिक है। मुनाफिक कौन होता है, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। तोता सबज पत्तों में बैठा हो तो पहचाना नहीं जाता, इसलिए पता ही नहीं चलता कि तोता कौन सा है, पत्ते कौन से हैं। मुनाफिक मुसलमानों में बैठा पहचाना नहीं जाता। खुदा ने कहा ला इलाहा का दुश्मन काफर नहीं मुशरिक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन मुशरिक नहीं काफर है, लेकिन शायरी तेरा दुश्मन ना काफिर है ना मुशरिक है, तेरा दुश्मन मुनाफिक है, लेकिन अल्लाह की दुश्मनी सीने में छुप जाती है। मोहम्मद की दुश्मनी सीने में छुप सकती है, अली की दुश्मनी सीने में छुपती नहीं, चेहरे पर जाहिर हो जाती है, रंगत तब्दील हो जाती है, आंखें बाहर आ जाती है, जिस्म कांपने लगता है। इसलिए एक बंदे ने रसूल से पूछा था, सूफी किताबों के हवाले है, या रसूल अल्लाह अल्लाह ने पूरी सूरत भेज दी है, मुनाफिक कौन है। अल्लाह ने कहा है ये नमाजें भी पढ़ते हैं, ये रोजे भी रखते हैं, ये ज़कात भी देते हैं, ये हज भी करते हैं, ये ला इलाहा भी पढ़ते हैं। या रसूल हमें कैसे पता चलेगा इस सूरत वाले मुनाफिक कौन है। रसूल ने कहा हर महफिल में बैठ के अली की बातें किया कर। मेरे अली का तस्करा था, मुनाफिक उभर उभर के
सामने आने शुरू हो। कैसी स्क्रीनिंग है, डीएनए टेस्ट बहुत बाद में बना है। बोलो जो लीगनों कर बैठे